हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो पौधे में बहुत समस्या होती हैं कि पौधों में फल नहीं आना, फूल नहीं आना और दीमक वगैरह, फंगस वगैरह, चींटियां लग जाती हैं। तो अगर आपके पौधे बेजान हो रहे हैं तो इस तरीके से आप नीम फली का यूज कर सकते हैं। नीम फली एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर है। पौधे में नीम फली डालने के लिए फ़ायदे, अगर आपके प्लांट में फूल और फल नहीं आ रहे हैं तो ये समस्या को दूर करता है नीम फली। गुलाब और टमाटर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है नीम फली। नीम फली एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है जिसमें मैग्नीशियम, सल्फेट और फॉस्फोरस आदि माइक्रोन्स न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं, जो नीम फली पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पौधों की ग्रोथ चाहते हैं तो बीज की अच्छा चुनाव करें। तो बीज के लिए आप पौधों के लिए बीजों के लिए आप बेहतर नीम फली डाल सकते हैं। जिस पॉटिंग मिक्स में मटेरियल सॉइल मिक्स में आप बीज अंकुरित करने जा रहे हैं तो उसमें आप नीम फली डाल दें। नीम फली डालने से आपको इस्तेमाल करें, इसमें मौजूद मैग्नीशियम जो होता है पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और इसे वृद्धि करता है और अंकुरित होने में मदद करता है। और उसके साथ आप थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे तो बीज जब बोएंगे प्लांट बनेगा तो बहुत अच्छे से अंकुरित होकर वो प्लांट हो जाएगा। अगर प्लांट में आप नीम फली डालते हैं तो मिट्टी में, अगर आपके पौधे में कीट लगे हैं तो स्वाभाविक रूप से नीम फली फंगस का एंटीबायोटिक होता है, तो इसमें फंगस और कीटों को स्वाभाविक रूप से रोकने की क्षमता होती है। तो पौधों को आप कीटों को स्वाभाविक रूप से रोकता है। अब इसमें मौजूद पोषक तत्व हैं, मैग्नीशियम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस सल्फर पौधे में इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे तत्व नीम फली में पाए जाते हैं, तो पौधों को बहुत अच्छी सी ग्रोथ प्रदान करते हैं और पौधों की सेल मजबूत करते हैं। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है नीम फली को, तो आप अगर बड़ा पॉट है तो उसमें 100 ग्राम नीम फली मिट्टी में आप मिला सकते हैं, अगर छोटा है तो 50 ग्राम मिट्टी में आप इसको मिला दीजिए, जिससे इसमें प्लांट में बीज अंकुरित भी होंगे, पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी। अगर उसमें फंगस वगैरह लगा है और कीड़े मकोड़े लगे हैं, चींटियां भी नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आप नीम फली का यूज अपने प्लांट में कर सकते हैं। एक फर्टिलाइज़र के रूप में भी नीम फली का यूज़ कर सकते हैं, उस पर सभी पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स, सभी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जब पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, पौधा स्वस्थ होगा, तभी पौधे में फल आएंगे और फूल आएंगे। तो इस तरीके से समस्या है तो आपके प्लांट में, तो आप नीम फली का यूज़ करें। अगर उस पर चींटियाँ भी लगी हैं, फंगीसाइड नहीं है आपके पास, तो नीम फली का यूज कर सकते हैं, चींटियाँ भी भाग जाएंगी। और अगर आपके प्लांट में दीमक लगा है तो भी नीम फली का प्रयोग करें। तो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और फंगीसाइड की तरह नीम फली का यूज आप अपने गार्डन में कर सकते हैं पौधों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लांट लगाएंगे तभी अच्छा वातावरण आपके पास होगा और स्वास्थ्य पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, प्रदूषण से बचाएगा प्लांट लगाने से। आजकल गार्डनिंग का शौक बहुत अधिकतर सभी को हो गया है, तो गार्डनिंग भी करते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ऐसे बनते रहिए, ऐसे सहयोग दीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए।
जिससे आपको नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट के बारे में मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।